शहर में एक बार फिर चेन छिनतई की घटना घट गई। ताजा मामला ग्वाटोली चौक का है। गाय को रोटी खिलाने निकली महिला के गले से सोने का चेन खींच भाग गए दो युवक। महिला कृष्णा देवी ने बताया कि दोनों युवक बाइक पर सवार थे। कहा बेहद फुर्ती से दोनों युवकों ने उनके गले से चेन छीना और वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने हल्ला सुनकर दोनों युवकों का पीछा भी किया, लेकिन देखते ही देखते वे वहां से भागने में सफल हो गए। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गौटोली चौक के पास कृष्णा मोबाइल के बगल में गली में इनका घर है और अभी अभी इनका चेन जो है वो दो अज्ञात बाइक में आ करके और चेन ये कूड़ा फेंकने गई थी और उसी बीच में इनके साथ ये घटना हुई। लीजिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या कैसे क्या हुआ, तो आप बताएं कि आपके साथ अभी क्या घटना घटी, आपने क्या कैसे किया। मैं है ना जिस दुकान पे गई। अच्छा। दुकान पर से अनुपम को बोली, अनुपम तू पैसा रखो बेटा, हम चलते। हम उसको मोटरसाइकिल में देखी हूँ, उन लोग को दो जने थे, मास्क लगाया हुआ था, माथा में काला कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा अच्छा। गुलाबी से मतलब कि जामुन कलर का। तो वो मतलब वो आप कूड़ा फेंकने गए थे क्या? कूड़ा फेंकने नहीं गए थे, गाय की रोटी लेके गए थे। अच्छा, गाय की रोटी लेके गए थे और आप अंदर घुस रहे थे वापस। तो हम अनुपम को बोल के, अनुपम रोटी है ना यहाँ रख दे रही हूँ, ताखा में गली में, तुम गैया को दे देना आएगी। तो उसको बोले, और हम जैसी गली में घुसे ना, गली के मोड़ पर घुसे हैं, उसमें से चेन, तो हम ऐसे ऐसे कि मेरा कोई मेरा मुंह दबा रहा है। तब तक वो खींच लिया और दौड़ा, हम पीछे पीछे चिल्लाते रहे, देखे मोटरसाइकिल में बैठा उसको। हाँ, आपकी आवाज से अगल बगल वाले सुने तो उसके पीछे दौड़े, दौड़े और चलिए। हाँ, वो हाँ, आगे की बात हो गई। हाँ, लेकिन आपके वो चेन आपका वो लोग लेकर के चले गए, वो टूट गया चेन हाथ से। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम कृष्णा देवी है मेरा। अच्छा, कृष्णा देवी है, ठीक है। हाँ ठीक है।